हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिख दे। दोस्तों, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। कहने का मतलब यह है कि आप इतना पढ़ो, तब तक पढ़ते रहो जब तक आप उस मुकाम तक ना पहुंच जाओ जहां जो आपका लक्ष्य है। दोस्तों, आप हमेशा पढ़ते रहिए और ध्यान दीजिए, मतलब जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें लगन लगा करके पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। ये है सवाल आपके सामने दोस्तों, अनुपात और समानुपात से। ठीक है, दिया है कि यदि x बटा वाई बराबर 0.25 हो तो 2y माइनस x बटा 2y प्लस x प्लस 2/9 बराबर क्या होगा, क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा x बटा वाई ये जो है 0.25 है, यहां से जब दशमलव उड़ेगा ना तो इसके नीचे आ जाएगा क्या, दशमलव के लिए एक और दो अंक है तो 2 को 0, ये कटेगा 1 बे में, ये कटेगा 4 बे में, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 इस तरह से। अब यहां पर हम पुट करेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू, क्या दिया है 2y, ध्यान दीजिएगा 2 × y की जगह पे क्या लिखेंगे 4 माइनस एक्स बाटा 2 × 4 प्लस, एक मिनट, एक्स के जगह पे हम वैल्यू ही रख देते हैं इसका, एक ठीक है, प्लस 2/9 क्या होगा। अब देखिए आगे, 4 × 8 और 8 में से 1 गया तो क्या मिला 7, ठीक है, बाटा यहाँ पे आइए 4 × 8 8 और 1 9 फिर क्या है प्लस 2/9। इसको हम देखिए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर भागा देंगे तो 1 बे में 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस, फिर 9 से करेंगे तो 1 बे में 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2, यानी कि 9/9 कट के आ गया आपका आंसर 1 इस तरह से। यहाँ सवाल है कि यदि एक कपड़े को 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है, यदि सबसे छोटा टुकड़ा 8 मीटर का है तो काटने से पहले इसकी लंबाई क्या रही होगी। ध्यान दीजिएगा, 2:3:4 में है तो इसका टोटल जब अनुपात में जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, अनुपात में आएगा 9। और एक चीज दिया है, क्या छोटा टुकड़ा है 8 मीटर का, छोटा टुकड़ा कितना है 8 मीटर का, तो छोटा अनुपात क्या है 2, यानी कि छोटा अनुपात के है 2 और ओरिजिनल में इसका दिया है लंबाई 8 मीटर, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/2 कट के आ जाएगा 4 मीटर। ध्यान दीजिएगा, अनुपात 1 की वैल्यू आया है 4 मीटर, तो अनुपात 9 की वैल्यू क्या होगा, तो 9 में गुना कर देंगे 4 से, 9 × 4 = 36 मीटर। 9 क्या है, यानी कि 2, 3, 4 को ये रेशियो में हम जोड़े हैं तो आया है अनुपात में 9, और 1 रेशियो में 1 का वैल्यू आया है 4, इसी 4 से इसमें गुना किए तो आया 36 मीटर क्या कपड़े की लंबाई जो कि शुरू में थी। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।